दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार भले ही आपके आधार डाटा को सुरक्षित रखने का भरोसा देती है, लेकिन सच तो यह है कि आपके आधार डाटा की सुरक्षा खतरे में है। 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के आधार डाटा के लीक होने की खबर आप सभी ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी। बीबीसी की हेडलाइन देखिए, लिखा है 81 करोड़ भारतीयों का आधार समेत निजी डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध। यानी हम कह सकते हैं कि आपका आधार डाटा सुरक्षित नहीं है, उसकी गोपनीयता सुरक्षित नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने आधार डाटा और निजी डाटा को लेकर आपको खुद ही सतर्क रहना होगा। आपको मालूम ही है कि आज आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पोस्ट ऑफिस खाता, सबको आधार से लिंक करना जरूरी बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि आधार केवल पहचान संख्या नहीं है, बल्कि किसी भी भारतीय के लिए उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। साइबर अपराधियों, जालसाजों द्वारा किसी व्यक्ति के बैंक खाता खाली करने की खबर आप आजकल पढ़ते सुनते देखते होंगे। किसी व्यक्ति ने अपना ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को बता दिया और उसका बैंक खाता खाली। किसी व्यक्ति ने किसी अनजान मैसेज या ईमेल पर आए लिंक को क्लिक किया और उसका बैंक खाता खाली। किसी व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति का फोन कॉल उठाया और उसका बैंक खाता खाली। यहां तक किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड का क्लोनिंग करके भी उसका बैंक खाता खाली किया जा रहा है। इसलिए अपने डाटा और बैंक खाता को लेकर खुद ही सतर्क रहना होगा, उसकी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। ऐसी डराने वाली खबरों के बीच आज मैं बात करने जा रहा हूं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक या SBI द्वारा हाल ही में अपने ग्राहकों को भेजे गए एक खास मैसेज के बारे में। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के करीब 48 करोड़ खाता धारक हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे पास हाल ही में SBI ने एक मैसेज भेजा। मैसेज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैसेज हालांकि अंग्रेजी में है, इसका हिंदी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय ग्राहक, अपने खाते में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए अपने बायोमेट्रिक को एम आधार ऐप या EYDAI पोर्टल पर लॉक करें। आवश्यकता पड़ने पर आप इसे कभी भी अनलॉक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अपने खाताधारकों से कह रहा है कि आप अपने आधार को लॉक करके रखें, उसके डाटा को, बायोमेट्रिक्स डाटा को लॉक करके रखें और जब जरूरत हो तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम आगे आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिरकार देश के सबसे बड़े बैंक SBI को अपने खाताधारकों को ऐसा मैसेज क्यों भेजना पड़ रहा है। साथ में ये भी बताएंगे कि अपने आधार के बायोमेट्रिक को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक कैसे करना है। लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI के मैसेज में आधार, बायोमेट्रिक, लॉक, अनलॉक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आधार तो आप जानते ही होंगे, आपके पास भी होगा। आधार कार्ड दरअसल भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाले पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी EYDAI जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और EYDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई आधार दोनों ही समान रूप से मान्य होते हैं। अब जान लेते हैं बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक के बारे में। बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक एक ऐसा फीचर है जो सभी आधार होल्डर्स को अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक और अस्थायी रूप से अनलॉक करने की अनुमति देता है। इस फीचर का मुख्य उद्देश्य आपके बायोमेट्रिक्स डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन की गोपनीयता को मजबूत करना है। प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए कई प्रकार के बायोमेट्रिक्स हैं। 5 सबसे सामान्य प्रकार के बायोमेट्रिक पहचान करता है जैसे कि उंगलियों के निशान, चेहरे, आवाज, आइरिस और हथेली या उंगली की नस पैटर्न। तो इन सब की गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए अपने बायोमेट्रिक को लॉक करने की सलाह SBI ने अपने खाताधारकों को दी है ताकि उनका खाता सुरक्षित रहे। लेकिन ध्यान रहे, बायोमेट्रिक लॉक कर देने के बाद आप आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सेवा का लाभ नहीं ले सकेंगे। फिर से इसका लाभ लेने के लिए आपको बायोमेट्रिक को अनलॉक करना होगा। तो आधार डाटा की गोपनीयता बनाए रखना कितना जरूरी है ये तो आप समझ गए होंगे।
इस एपिसोड के शुरू में ही मैंने एक खबर आपको बताई थी कि करीब 81 करोड़ भारतीयों का आधार और निजी डाटा ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो सोचिए कितने सारे बैंक खाता जो है खतरे में है, जालसाज के निशाने पर है, साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। तो सवाल है कि आधार बायोमेट्रिक को आप ऑनलाइन कैसे लॉक कर सकते हैं? तो UIDAI के मुताबिक आधार धारक यानी जिनके पास आधार है अपना आधार UIDAI की वेबसाइट या एम आधार ऐप के जरिए लॉक कर सकते हैं। UIDAI की वेबसाइट है www.myaadhar.uidai.gov.in और एम आधार आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के कैसे करना है लॉक वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना है। वैसे आप यहां पर सीधे लिंक भी देख सकते हैं। ये जो आप सीधे लिंक देख रहे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां जाना है, माई आधार टैब पर क्लिक करना है, आधार सर्विसेज के तहत आधार लॉक या अनलॉक पर क्लिक करना है, मतलब लॉक करना है तो लॉक पर क्लिक करें और अनलॉक करना है तो अनलॉक पर क्लिक करें, आधार नंबर या VID दर्ज करना है, उसके बाद कैप्चा दर्ज करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आ जाएगा और जो OTP आता है उसको दर्ज करना है। स्क्रीन पर प्रदर्शित 4 अंकों का सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद सक्षम करें बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका आधार बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा या फिर अनलॉक हो जाएगा। अब एम आधार ऐप के जरिए कैसे आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना है वो भी जान लीजिए। तो एम आधार ऐप डाउनलोड करना है, अपना आधार नंबर पंजीकृत करना है, OTP दर्ज करना है और 4 अंकों का पिन सेट करना है। आप अपना आधार प्रोफाइल देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपरी कोने पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके लॉक बायोमेट्रिक्स पर क्लिक करना है और फिर 4 अंकों का पिन दर्ज करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में UIDAI की वेबसाइट और एम आधार डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। अब है कि आधार बायोमेट्रिक को कैसे अनलॉक करना है। अपने आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के लिए आपको नवीनतम 16 अंकीय वर्चुअल आईडी यानी VID की आवश्यकता होगी। यदि आप अपना VID भूल जाते हैं तो आप इसे RVID स्पेस अपना UID का 4 या 8 अंक डालना है, फिर स्पेस देना है, फिर 1947 पर भेज देना है और फिर SMS के जरिए आप VID प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप RVID 1234 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास अपना VID हो जाए तो आप UIDAI वेबसाइट पर जाकर अपना UID अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक विकल्प चुनें, अपना नवीनतम VID और सुरक्षा कोड दर्ज करें और OTP भेजें पर क्लिक करें या TOTP चुनें और सबमिट करें पर क्लिक कर दें। आपका UID सफलतापूर्वक अनलॉक हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से आप एम आधार ऐप के माध्यम से आधार लॉक या अनलॉक सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट के जरिए या फिर एम आधार ऐप के जरिए आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आधार के दुरुपयोग से जुड़ी कुछ और बात सुन लीजिए ताकि आप अपने आधार को लॉक करने की जरूरत को अच्छे से समझ सकें। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने ऐसे मामलों का खुलासा किया जहां जालसाज पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि रिकॉर्ड से, भूमि रजिस्ट्रियों से अंगूठे के निशान सहित डेटा चुरा रहे थे। इन आरोपियों ने नकली उंगलियों के निशान विकसित किए जिनका उपयोग शिकायतकर्ता के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए किया गया था। मुख्य रूप से यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा अलग अलग सार्वजनिक डोमेन या वेबसाइटों से एकत्र किए गए हैं। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने राज्य के वित्त विभाग से राज्य सरकार की संपत्ति पंजीकरण वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति कार्यों या किसी अन्य दस्तावेजों से निकाले गए उंगलियों के निशान और आधार कार्ड सहित बायोमेट्रिक डेटा को छिपाने का अनुरोध किया। घोटालेबाज आपके बैंक खाते को खाली करने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPSP कमजोरियों का भी फायदा उठा रहे हैं। हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में आधार कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि देखी गई है। समस्या का सबसे चिंताजनक हिस्सा यह है कि यह धोखाधड़ी SMS या OTP प्रमाणीकरण पर निर्भर नहीं करता है, जो इसे विशेष रूप से चिंताजनक बनाती है। कैसे आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS का दुरुपयोग किया जा रहा है वह भी आप जान लीजिए। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS एक भुगतान सेवा है जो एक बैंक ग्राहक को अपने आधार सक्षम बैंक खाते तक पहुंचने और शेष राशि की जांच, नगद निकासी, व्यवसाय के माध्यम से प्रेषण जैसे कि बुनियादी बैंकिंग लेनदेन करने के लिए अपनी पहचान के रूप में आधार का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो खाते में गैर कानूनी और बिना अनुमति की पहुंच को रोकने के लिए
आधार बायोमेट्रिक को लॉक करना होगा और कैसे लॉक करना है घर बैठे ही ऑनलाइन, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले बताई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बायोमेट्रिक लॉकिंग या अनलॉकिंग एक ऐसी सेवा है जो आधार धारक को अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक और अस्थायी रूप से अनलॉक करने की अनुमति देती है। वेबसाइट ने कहा है कि इस सुविधा का उद्देश्य निवासियों के बायोमेट्रिक्स डेटा की गोपनीयता को मजबूत करना है। बायोमेट्रिक तरीके से फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे को लॉक किया जाता है और बायोमेट्रिक लॉकिंग के बाद जब भी कोई इसका दुरुपयोग करता है तो यह लिख करके आता है कि आधार धारक प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह किसी भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को रोकने के लिए एक सुरक्षा सुविधा है। यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था किसी भी माध्यम से उस आधार धारक के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण नहीं कर सकते हैं। जिन आधार नंबर धारकों के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर है वही अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं, यानी दूसरा व्यक्ति लॉक नहीं कर सकता है आपके आधार बायोमेट्रिक्स को। उस आधार से जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वही व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह से अपने आधार के बायोमेट्रिक को सुरक्षित रखने के लिए लॉक करें और जब जरूरत हो उसे अनलॉक कर दें। और लॉक अनलॉक कैसे करना है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले बताई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। SBI के ताजा मैसेज और आधार डाटा के लीक और दुरुपयोग पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।